चलिए ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है सबको? चलिए ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हम अपने क्लास में ये इंटरफेस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम रिवाइज करेंगे इसको। एडोबी प्रीमियर इंटरफेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। मतलब के बेसिक्स होंगी ना उसमें, कि कैसे हमने इंटरफेस में वीडियो इंपोर्ट करनी है और फिर कैसे उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है, कौन से पार्ट्स लेने हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, तो एडोबी प्रीमियर का हम इंटरफेस देखते हैं। अब प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है? अब सबके अच्छा, इसी तरह करते हैं हम। प्रोजेक्ट विंडो जो है, ये हमारी ये विंडो है जिसमें हमने सारे, हमें जो 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 फाइल्स चाहिए, जो वीडियोस चाहिए, इमेजेस चाहिए, ऑडियोस चाहिए, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लाएंगे, उसके बाद ही हम वीडियो एडिट करना स्टार्ट करेंगे। फिर आती है सोर्स विंडो। सोर्स विंडो हमारी ये वाली विंडो है। इधर पे अगर हमने अब यहाँ पे फाइल्स इंपोर्ट कर दिए हैं ना, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। उधर हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो में से कौन सा पार्ट लेना है, हमने वीडियो लेनी है या सिर्फ ऑडियो लेना है। उस यहाँ इसका यही मतलब है कि मतलब हमें यहाँ पे हेल्प हो रही होती है ना, कि हम यहाँ से देख रहे होते हैं, फिर हमें जो सब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम ये वीडियो चाहिए, फिर हम यहाँ से टाइमलाइन पे आ जाते हैं। ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन में हम सारा कुछ, ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे हम यहाँ पे हम वीडियो में जो जो एडिटिंग कर रहे होंगे, हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोस यहाँ पे होंगी, सब कुछ हमारा यहाँ पे होगा। हाँ, एडोबी सॉफ्टवेयर तो उसका क्रैक अभी अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इसका ट्रायल वर्जन तब तक कर लेना, उस पे ट्राई कर ले, उसके बाद ही हम फिर क्रैक देखते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी लिंक, ठीक है? और फिर हमारे हमारा आता है प्रोग्राम विंडो। तो प्रोग्राम विंडो हमारा ये वाला विंडो है। इसमें अब हम यहाँ पे जो 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 एडिटिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे फाइनल वीडियो में शो हो रहा होगा। अब मैं इस तरह करती हूँ ना, कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं हम, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बाकी इन चीज़ों में अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी बेसिक्स है ना, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कैसे फाइल्स डालनी है। इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे, यहाँ से फिर हम उसको एडिट करेंगे। तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड कर ली है, आप इस तरह करें कि यहाँ पिक्सल पे जाएं, पिक्सल, उस पर फ्री स्टॉक वीडियोस होती हैं ना,
आप यहाँ से जाके ये वीडियोस देख सकती है, यहाँ यहाँ से वीडियोस एडिट कर सकती है फिर उधर लाके। मैंने ये कुछ वीडियोस जो है वो एडिट कर ली है, नहीं डाउनलोड कर ली है, इसको मैं यूज़ करूँगी। पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट विंडो है, डबल क्लिक करना है इस पे। डबल क्लिक करना है तो आपके पास वही खुल जाएगा, आपने डाउनलोड्स में वीडियोस रखी है या डॉक्यूमेंट्स में रखी है या डेस्कटॉप पे रखी है। तो हम ये एक वीडियो ले लेते हैं, डबल क्लिक करना है इस पे और वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ पे फाइल शो हो जाएगी। फिर वीडियो लेनी है और जो वीडियो हो उसको सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक करना है, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है सबको? अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सोर्स विंडो में आना है। अब ये वीडियो है, जी, डिफरेंट वीडियोस, आप आपको मतलब जो भी वीडियोस चाहिए, आप आपने अपने पास आपको वीडियो एडिट करनी है और उसके लिए आपको जो भी चाहिए, मतलब कि ऑडियो चाहिए या कोई इमेज चाहिए, इमेज भी आप कर सकती है। बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से इमेज में, इमेज भी, हाँ ये है मेरे पास इमेज, इमेज पे डबल क्लिक करें, वो भी इधर इम्पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ऑडियो पे डबल क्लिक करना है, वो भी इम्पोर्ट हो जाएगा। अब हमें ये वाली वीडियो एडिट करनी है, हमने देखना है कि हमने इसका कौन सा पार्ट लेना है और हमने इसकी ऑडियो लेनी है कि नहीं लेनी, या हमें ऑडियो नहीं चाहिए सिर्फ वीडियो चाहिए। तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सोर्स फाइल में आ जाएगी, सोर्स विंडो में आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको प्ले कर सकते हैं कि हमने कौन सा कहाँ से लेना है। तो अब आप देख रहे हैं ना कि इसमें वीडियो भी चल रही है और इसका ऑडियो भी चल रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने ये वीडियो यहाँ से लेनी है, 2 सेकेंड से लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे कट हो जाएगी, इधर ही कट हो जाएगी। मार्क इन करना है इसको, फिर आगे जाके मैं कहती हूँ कि बस यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, मुझे इतनी ही वीडियो चाहिए, तो मैं मार्क आउट करूँगी। ये वीडियो हमारी कट गई है, यहाँ से यहाँ तक कट गई है, बस हमें इतनी ही वीडियो चाहिए। अब हम इस वीडियो को हमने यहाँ पे कैसे लाना है, टाइमलाइन पे लाएंगे तभी ही हमारे पास इधर प्रोग्राम में आ जाएगा, इधर ही प्रोग्राम में हमारे पास पे ये वीडियो शो होगी। अब अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ ये वीडियो चाहिए और हमें इसका ऑडियो नहीं चाहिए, ये ऑडियो इसके साथ जो चल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं आपको, एक वीडियो ओनली है और एक ऑडियो ओनली है। अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है, यहाँ टाइमलाइन पे लाना है। तो ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास वीडियो के टाइमलाइन में आ गई है। अब अगर आप कहती हैं कि नहीं, हमें ये वीडियो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए, तो आपने ये ऑडियो ओनली पे क्लिक करना है। इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से आप हटा दें। हमने सिर्फ ये ऑडियो लेना है, तो हम ये ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑडियो में आ गए। आप इस तरह भी कर सकती हैं कि ये पूरी वीडियो ले लें, पूरी वीडियो लेके, सब एक बार, 1 मिनट, मैं यहाँ ये ऑडियो हटा देती हूँ। पूरी वीडियो हम लेके ड्रैग करके यहाँ पे ले आए हैं, अब ये यहाँ पे वीडियो में खुल गए, वीडियो का पार्ट वीडियो में आ गए, ऑडियो का पार्ट ऑडियो में आ गए। अब हम कहते हैं कि हमें वीडियो नहीं चाहिए, तो हम ये वीडियो वाले यहाँ पे
एक टॉगल ट्रैक आउटपुट शो हो रहे ना, ये एक आई टाइप है, हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा ऑडियो, हमारा वीडियो चला गया है। अब हम इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आ गई है। अब हम कहते हैं कि हमें ऑडियो नहीं चाहिए, हम इसको म्यूट कर देते हैं। बाहर है। हमें ऑडियो नहीं चाहिए तो हम यहाँ से भी ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये फाइल तो रहेगी लेकिन ये म्यूट है, अभी हमें इसकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं, या हम इस तरह करते हैं कि हम ये सारी वीडियो ले लेते हैं। हमारे पास ये वीडियो आ गई है, हमें जितनी वीडियो चाहिए थी हमारे पास आ गई है। अब इसी तरह हम करते हैं ना, ये दूसरी वीडियो ले लेते हैं, दूसरी वीडियो को भी उसी तरह करना है, डबल क्लिक करना है। ये यहाँ पे आ गई है, सोर्स फाइल में आ गई है, सोर्स विंडो में। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि ये वीडियो मुझे यहाँ से चाहिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो यहीं से ड्रैग करके यहाँ पे ले आए तो आपके पास सारी वीडियो आ जाएगी इधर ही। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने एडिट करनी है, कुछ क्रॉप करना है, कुछ जगह काटनी है, तो उसको आप फिर यहाँ पे फाइल विंडो में कर सकते हैं, सोर्स विंडो में कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, आपको इतनी वीडियो चाहिए, मार्क इन करते हैं, और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक वीडियो चाहिए, मार्क आउट करते हैं, वीडियो कट गई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर यहाँ से ड्रैग करके फिर यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो वीडियोस आ गई है, आपने यहाँ से ये ऑडियो हटाना है, आप म्यूट कर दें इसको। अभी सारी वीडियो आपके पास इसी तरह आ रही है विदाउट ऑडियो के। अच्छा, यहाँ पे एक आपको मैग्नेट शो हो रहा है ना, इस मैग्नेट को आप हाइड ना करें, इसको ऑन रखें। इससे ये होता है कि अगर हमने ये वीडियो लेनी है, यहाँ से लेनी है, अगर इसको मैं हाइड कर दूँ तो आपकी ये वीडियो यहाँ आ गई है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये वीडियो मेरी उसके साथ फिक्स हो रही है, कि इसके ऊपर आ रही है, कि इससे यहाँ आ रही है। इसका वो ये फंक्शन ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो अगर आप ये वीडियो अब ले रहे हैं तो ये खुद ही इसके साथ मैग्नेट की तरह वो हो जाते हैं, मतलब कि दो मैग्नेट जब मिलते हैं खुद ही हो जाता है, सिंक हो जाता है खुद ही। इसी तरह आप इमेज भी डाल सकते हैं, इमेज अगर आपको डालना है तो आपने बस सीधा यहीं से ड्रैग करना है इसको, यहीं से ड्रैग करना है, यहाँ पे डाल देना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आ गई है आपको? अच्छा, आप इस तरह कर सकते हैं कि अभी इस वीडियो में तो ऑडियो था लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, इसमें ऑडियो नहीं है। हम इस तरह करते हैं कि पिक्चर को हम इस तरह एनिमेट कर सकते हैं कि पिक्चर पे हम यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं।
इसको हम इसी तरह एनिमेट कर सकते हैं कि या तो हम इस पे कोई इफेक्ट लगा देते हैं या कोई ट्रांजिशन लगा देते हैं, लेकिन अभी आपने इफेक्ट्स और ट्रांजिशन नहीं पढ़ा तो अभी आपको इतना खास समझ नहीं आएगा, तो ये हम थोड़ा बाद के लिए फिर देखते हैं कि इसको कैसे एनिमेट करना है। मतलब एनिमेट इसी तरह हो सकता है कि ये पिक्चर नहीं हो और फिर एकदम से आ जाए किसी दूसरे फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा बाद में सिखाती हूँ फिर। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें ऑडियो डाल देते हैं। ऑडियो का भी वही सेम है ना, कि यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ से कोई ऑडियो उठानी है। मेरे पास कोई ऑडियो हो तो मैं देखती हूँ। ऑडियो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मिक्स किट यहाँ पे आपको फ्री स्टॉक ऑडियोज भी मिल जाती है, वीडियोज भी मिल जाती है। हम एक लेते हैं। कोई सा भी, हाँ ये अच्छा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये ऑडियो हमारे पास आ गया है, उसमें डाउनलोड में आ गए। हमने डबल क्लिक करना है, ये ऑडियो लेना है, ये यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। अगर आपके इसमें वीडियो में ऑडियो भी यहाँ पे शो हो रहा है और आपको लगता है कि ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है और अनलिंक करना है। अनलिंक से क्या होगा कि वीडियो अलग हो जाएगी और ऑडियो अलग हो जाएगी। आप अनलिंक करते हैं, देखें अब ऑडियो अलग हो गया है। इसको हमने अनलिंक नहीं किया तो इससे होगा लेकिन डिलीट नहीं होगा। इसको अनलिंक करना है। अब ये हो गए, अब इसको आप एक मिनट, इसको आप कट कर दें, इसको भी कट कर दें। अब हमारे पास सिर्फ ऑडियो वीडियो रह गई है। हाँ ठीक है, ऑडियो का भी यही सीन है जी। मैं रिपीट करती हूँ फिर से। हमारे पास ये, हमने वीडियो ले ली है, सब मैं दिखाती हूँ। ये वीडियो मैं फिर से लेती हूँ, देखिए यहाँ पे ऑडियो वीडियो यहाँ पे आ गया, ऑडियो यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास ये तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये हमें डिस्टर्ब ना करे क्योंकि हमें ये ऑडियो चाहिए नहीं। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और अनलिंक करते हैं। हमें ये ऑडियो नहीं चाहिए तो हम अब इस ऑडियो को कट करते हैं, मतलब यहाँ से चला गया। अब आप इस पे आराम से दूसरी ऑडियो लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है आपको? अच्छा, अब हम इसके इसके साथ ऑडियो कनेक्ट करते हैं। ऑडियो का भी वही सीन है कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ सोर्स विंडो में आ जाएगा।
अब आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप यहीं से, पूरी ऑडियो अगर चाहिए तो आप यहीं से ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। मैं थोड़ा तेज करती हूँ इसको। हाँ, ये मैंने म्यूट किया हुआ है, सॉरी। ये अभी जो म्यूट था ना, म्यूट हो गया था तो अब हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अनम्यूट हो जाता है, आवाज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वीडियो के आई जो शेप आपको देख रहा है इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑडियो वीडियो चला गया है, अब सिर्फ ऑडियो चल रहा है। ठीक है, और आप अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने पूरी ऑडियो नहीं लेनी, हमें कुछ पार्ट्स चाहिए और कुछ पार्ट्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे। मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ इसको। आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे। यहाँ से अगर वीडियो ऑडियो चाहिए आपको तो हम मार्किंग करते हैं। देखिए, यहाँ से बाकी वीडियो जो है हमारी कट हो गई, ऑडियो कट हो गई है। अब आगे जाते हैं। जी, हम किसी भी लेंथ की ऑडियो और वीडियो ले सकते हैं और साइज भी हमारे पास, मतलब ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है तो ये बहुत हाई लेवल का है, तो इसमें आप किसी भी साइज की ऑडियो और वीडियो आप डाल सकते हैं। और एडिट करने के लिए अगर आपका आपका पीसी है, लैपटॉप है, तो उसकी वो जितनी हाई होगी रिक्वायरमेंट्स, जितना इस सॉफ्टवेयर को चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट्स उतनी है तो आपका आराम से चल जाएगा। और अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर उसमें थोड़ा मसला होगा। लेकिन हाँ, वीडियो और ऑडियो आप किसी भी साइज का डाल सकते हैं और लेंथ भी किसी भी साइज का हो सकता है। अब आपने ये ऑडियो चलानी है और आप देखिए कि आपकी वीडियो कहाँ तक है या आपको ये ऑडियो कहाँ तक चाहिए। अगर मुझे ऑडियो यहाँ तक चाहिए तो मैं मार्क आउट करती हूँ और यहाँ से मैं लेके मैं फिर से बताती, यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ऑडियो। ये वाली ऑडियो मैं हटा देती हूँ, इसको आप कट कर दें। हाँ, तो ये ऑडियो आपके पास अभी आ गए। लेकिन वीडियो मैंने म्यूट कर दी थी, वीडियो मैंने यहाँ से वो कर दिया था, तो इसको आप ज़रा चेक कर लिया करें। ठीक है, ऑडियो में अभी आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो? अच्छा, यहाँ पे आपके पास 3 टाइमलाइन में, ठीक है, टाइमलाइन में बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 3 वीडियोस के वो लाइन शो हो रहेंगे और ये 3 ऑडियोस के। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि बस आप
ही वीडियोस ले सकते हैं या 3 ही ऑडियोज ले सकते हैं, ये इसका डिफॉल्ट है। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम कुछ और वीडियोस लेते हैं, एक ये मैं ले लेती हूँ, इस पे डबल क्लिक करके ये वाले वीडियो पे ले लेती हूँ। तो आपने अगर ये वीडियो लगानी है तो यहाँ पे आके ये आपकी सेकंड वीडियो हो गई है, यहाँ पे ये लाके ये थर्ड हो गई है। अब इसमें डिफॉल्ट तो 3 है, इसके अलावा भी आप जा सकते हैं ऊपर। ये जो लाइन है ना, इसको आप ऊपर करें तो आप ऊपर और भी जा सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने फिर से एक वीडियो लेनी हो और वो डालनी हो तो ये यहाँ पे आ गई है। इसके साथ ऑडियो भी है, तो ये यहाँ ऑडियो यहाँ पे आ गया है। इसको आपने अनलिंक करना है। अनलिंक कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, अनलिंक क्लिक करना है और फिर इसको कट करना है, या सिंपल आप इसमें कीबोर्ड में जो डिलीट है तो वो दबा दें तो वो हो जाता है, या फिर कट करते हैं। आप इसके अलावा भी इसमें मतलब वीडियोस डाल सकती हैं। ये वाले अगर हम इन इन वीडियोस को फिलहाल हटा देते हैं, हाँ ये वाली वीडियो अब इसके ऊपर आ गई है। अब ये जो नीचे ये ऊपर आ गई है, ये नीचे है, तो ये नीचे वाली वीडियो शो नहीं होंगी। फिर आपको ये ऊपर वाली वीडियो शो हो रही होगी। अब आपने ये करना है कि अगर ये वीडियो आपको यहीं से चाहिए, यहाँ ऊपर चाहिए, तो आपने इस वीडियो को क्लिक करके ड्रैग करना है। हाँ तो यहाँ पे आ गए। आप पहले ये वीडियो आएंगी, और उसके बाद ये दूसरी वाली। अब ये वाली हमारे पास शो नहीं हो रही। अब आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं वीडियोस को, नहीं सॉरी, अभी के लिए हम यहीं से करेंगे क्योंकि आपको यहाँ से समझ आ जाए ना तो वो इजी होगा आपके लिए। बाकी हमारे पास ये सारी टूल्स हैं, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये ऑडियो अगर आपने और लेनी है इसके लिए, तो यहाँ पे तो ये इतना कट हो गए। फिर आप इसको प्ले करके यहाँ से, अब आपको यहाँ से चाहिए वीडियो ऑडियो सॉरी ऑडियो चाहिए, तो यहाँ से हम मार्किंग करते हैं, फिर आगे जाके वर्कआउट करते हैं। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इस तरह के, ये हमारे पास ये जो रेड लाइन शो हो रही, अगर आप इस तरह करते हैं ना कि इसको क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करते जाएं, आपको जितनी चाहिए ड्यूरेशन, ये आपको दिखा रहा है कि ऑडियो और आगे जा रही है। आप क्लिक करते हैं, वो ऑडियो वहाँ से खुद ही यहाँ पे आ गई है, ये देखें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से सीख लेके यहाँ से कैसे होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है?
एक ही हम डिफरेंट टाइम पे वीडियोस इस तरह कर सकते हैं ना कि अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ये वीडियो हमारे हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे ये एक ही वीडियो हम कर सकते हैं। जी, लेकिन यहाँ आपके पास शो हो रही है ना ये टाइमलाइन, इसीलिए है कि आपको शो हो रही है, आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दो वीडियोस हैं। ये वीडियो, अगर जो वीडियो ऊपर आएगी आपको वही शो हो रही होगी, मतलब कि अभी ये वीडियो शो ऊपर है तो आपको यही वीडियो शो हो रही है। अब अगर आप इस तरह कहते हैं कि ये वाली वीडियो लेते हैं, इसको ड्रैग करके ऊपर लाते हैं, तो अब वो वाली वीडियो हाइड हो जाएगी और ये वाली वीडियो आपके सामने आ रही है। देखें, अब ये यहाँ यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो गई तो वो दूसरी वाली अब आपको शो हो रही है। इसी तरह अगर इसके ऊपर वीडियो है तो फिर वही वीडियो शो हो रही होगी, जो नीचे वीडियोस है वो बाकी फिर हाइड हो जाएंगी। तो अगर आपको ये एक वीडियो है ना, ये वीडियो आपको यहाँ तक चाहिए फिर यहाँ से नहीं चाहिए, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने आपको दिखाया कि आपने कैसे कट करना है, तो आप कट कर दें, यहाँ तक कट भी कर सकते हैं। और अगर उस तरह से आपको अभी नहीं आ रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि खैर है ये बाकी नीचे वीडियो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखें कि इसके साथ कोई ऑडियो तो नहीं है, अगर ऑडियो है तो उसको आप अनलिंक कर दें, वरना फिर यहाँ पे वीडियो ये शो हो रही होगी और ऑडियो इस वीडियो की आ रही होगी, तो इसको ज़रा आप चेक कर लिया फिर। ठीक है, समझ आ गई है। इस तरह आप इसमें ये पिक्चर ऐड कर दिए, पिक्चर जो है तो आपके पास यहाँ वीडियोस वाली जगह पे आएंगी। पिक्चर्स को आपने ऐसे लाना है, आपको जितनी पिक्चर चाहिए वहाँ तक लाना है। ऑडियो भी वीडियो भी आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे जब आप माउस रखते हैं ना तो ये रेड लाइन आपको शो हो रही है, इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, यहाँ तक लाना है, तो ये इस तरह हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब आपको ये वीडियो कट करनी है तो ये काफ़ी लंबी वीडियो है, तो आप यहाँ से करके यहाँ तक ले आए। अच्छा, अगर आपको इस तरह मसा आ रहा है ना कि टाइमलाइन छोटा वो हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये लाइन पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं। अब अगर आपको आपको आप कह रहे हैं कि ये वीडियो हमें सही से शो नहीं हो रही, तो आप इसको भी क्लिक करके ड्रैग करें, ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ से भी अगर करना है तो अब आप कहते हैं कि हमें सोर्स विंडो जो है तो वो बड़ी हो, उस पे हम एडिट करें, तो आप यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ से भी हो सकता है। आपको समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक है, अब हम
यहाँ से एक टूल लेते हैं ना, उस पे हम देखते हैं कि अभी आपको इतना समझ आ गया है कि हमने वीडियो कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। अच्छा, मैं इस टाइमलाइन को ज़रा उसी तरह कर देती हूँ। इधर यहाँ से डबल क्लिक करना है आपको, अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ जहाँ जहीं जहाँ पे आपकी फाइल्स है वहाँ पे जाके आपने फाइल्स हटानी है, वहाँ से डबल क्लिक करना है उस पे, आपके पास वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब कुछ इसी तरह होता है। डबल क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए आप, यहाँ से डबल क्लिक करना है। ये वीडियो जो है आपके पास सोर्स फाइल में, सोर्स विंडो में ओपन हो गई। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्ले करेंगे, आपको कहाँ प्ले करें आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ तक चाहिए तो आपने पॉज करना है और यहाँ पे मार्कआउट करना है। आपको इतनी वीडियो चाहिए, यहाँ से आपने ड्रैग करना है, हाँ क्लिक करके ड्रैग करना है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आज के क्लास के लिए यहाँ तक ठीक है या नहीं, और पढ़ाऊँ? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं, मैं फिर से समझा देती हूँ। जी ठीक है, मैं आपके साथ, क्लास ख़त्म हो जाए मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूँगी। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस हैं कि क्रैक कैसे करना है, और आप बाय भी कर सकते हैं। और हाँ, क्रैक मैं देखती हूँ कि आपको दे दूँ क्रैक। और कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।